अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बर्फ नाल भरिया होया दुनिया का सब तो वड्डा मिस्टीरियस महाद्वीप है, जिसके उत्ते पहली बार 1821 दे विच कदम रखा गया सी। साडी धरती दे 7 महाद्वीप मौजूद हैं, जिन्हां दे विचों अंटार्कटिका महाद्वीप 5वां सब तो वड्डा महाद्वीप है। यह बर्फ के नाल इन्नी बुरी तरह ढकया होया है कि यह बर्फ धरती के 5 किलोमीटर अंदर तक समाई हुई है, जिसने इस कॉन्टीनेंट का 97% हिस्सा कवर किया होया है। बर्फ का एक कॉन्टीनेंट 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए फैलिया होया है, जिस दे विच पाकिस्तान वर्गे 17 देश अते इंडिया वर्गे 4 देश समा सकते हैं। दोस्तों, इस दे उत्ते इन्नी ज़्यादा बर्फ मौजूद है कि जेकर इसकी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रां दे विच पानी का लैवल 200 फुट तक उपर चलिया जाएगा। दुनिया का 60% फ्रैश वॉटर अंटार्कटिका दे विच बर्फ के रूप में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का महीना क्यों ना हो, पर अंटार्कटिका दे विच टैंपरेचर -50°C तो -90°C ही रहिंदा है। यही वजह है कि इत्थे इंसान का रहना नामुमकिन है। इतों तक कि अंटार्कटिका दे विच सिर्फ 2 ATM मशीन हैं। दोस्तों, इत्थे गर्मियों के महीने 6 महीने दिन अते 6 महीने रात रहिंदी है। ना ही दोस्तों इत्थे कोई टाइम जोन फॉलो हुंदा है अते ना ही इस उत्ते किसी देश का कब्जा है। 6 महीने तक सूरज ना निकलन करके इत्थे समय का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, जिस कारण इत्थे कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कई लोगों का मनना है कि इस कॉन्टीनेंट के थले कई राज मौजूद हैं, कई लोग यह मानते हैं कि इस बर्फ के नीचे दूसरी दुनिया मौजूद है, कई लोग यह भी मानते हैं कि इत्थे हिटलर का खुफिया मिलिट्री बेस भी मौजूद है। दोस्तों, 11,000 साल पहला एक अजिहा डिजास्टर आया सी, जिसने एक पूरा देश तबाह करके रख दिता। यह जगह सी अटलांटिस। दोस्तों, कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका के थले ही खोया हुआ है। जेकर साफ साफ गल करिए इत्थे अजिहे राज दफन हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कुछ सालों तो साइंटिस्ट अंटार्कटिका के इन्होंने राज्यों को खोजने के लिए लगे हुए हैं। इत्थे अजिहियां चीज़ां मिल गई हैं जिसने अंटार्कटिका को बहुत रहस्यमयी बना दिता है। दोस्तों, इस फ्रोजन आइलैंड से 400 तो भी ज़्यादा लेक्स मौजूद हैं। 2009 के अंटार्कटिका चो एक बिल्ली का कंगाल मिलिया। सोचने की गल तो यह है कि यह कंगाल किसी आम बिल्ली नालों बहुत ज़्यादा अलग से। कार्बन डेटिंग तो पता लगा कि यह जानवर 2.5 करोड़ साल पहला इतने मौजूद से। 1911 के अंटार्कटिका तो पहला मैटरोइड मिलिया, उदों तो लैके हूँ तक इतों 45,000 तो भी ज़्यादा मैटरोइड मिल चुके हैं। साइंटिस्टा मुताबिक यह मैटरोइड तकरीबन 7,00,000 साल पुराने हैं। 2015 के नव मैटरोइड मिलया, जिसकी रिसर्च तो पता लगा कि यह मार्स तो टुट के इतने आया हुआ है। 2014 के साइंटिस्टा ने एक अजिही डिस्कवरी की, जिसने सबनों सोचने पर मजबूर कर दिता सी। साइंटिस्टा ने 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिलिया, जो कि एक बहुत वड्डी खोज सी। नॉर्मल खोपड़ियों तो यह खोपड़ियाँ बहुत अलग सन, क्योंकि इन्हों खोपड़ियों का साइज आम इंसान तो कई गुणा ज़्यादा सी। इस तरह खोपड़ियाँ साइंटिस्टा ने इजिप्ट और पेरू तो भी मिल चुकिया हैं, जो इस गल वल इशारा करदियां हैं कि अंटार्कटिका विच भी लोग रहा करते सन, जिन्हों का संबंध एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के नाल भी जरूर रहा होगा। 1911 टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अजिहा वॉटरफॉल डिस्कवर कर दिता, जिस दे विच पानी नहीं बल्कि लाल रंग का पदार्थ निकलता सी। यह जगह हुण टेलर ग्लेशियर के नाम नाल जानी जाती है। पहला तो सबनू लगता सी कि यह खून है, पर रिसर्च तो बाद पता लग्या कि यह वोलकैनिक इरप्शन तो बाद इदां हुंदा है। हैरान करन दी गल तां यह है कि इस पानी दे विचों समुंदर दे पानी नालों 3 गुणा ज़्यादा साल्ट मौजूद है। इस तों इलावा इस विच पहाड़ा तो निकलन वाला आयरन भी मौजूद है, अते जदों पानी इस ग्लेशियर चो बाहर निकलता है तो आयरन हवा दे विच मौजूद ऑक्सीजन दे नाल मिलके आयरन ऑक्साइड बनाउंदा है, जिस कारण पानी रैड कलर दे विच बदल जाता है। इस पानी दे विच दोस्तों 17 तरह के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए हैं। हैरान करन दी गल तां यह है कि यह बैक्टीरिया नूं जिंदा रहने दे लई सनलाइट अते ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पैंदी। यह बैक्टीरिया इत्थे किस तरह आए, यह राज भी अंटार्कटिका की मिस्टरी नूं होर भी उलझा रहा है। साइंटिस्टां नूं 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ते फैले इस कॉन्टीनेंट ते अजिहे सबूत भी मिले हैं, जिस तों पता लगता है कि लखां साल पहला अंटार्कटिका ते लाइफ एग्जिस्ट करदी सी। 1980 साइंटिस्टां नूं डायनासोर दे कंगाल भी मिले सन, ते रिसर्च तो पता लगा कि यह कंगाल 70,00,000 साल पुराने हैं। एक खोज दौरान साइंटिस्टां नूं 11,000 फुट के नीचों एक एलियन का कंगाल भी मिलिया सी,
ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।